हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़्यादा बातें ना करते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, देश का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी कि कोरोना, उसकी वैक्सीन जो है वो 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोरोना वायरस से जंग के लिए भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन बनकर रेडी हो गई है। जुलाई में कोवैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है, यानी कि 7 जुलाई से। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया हुआ है। देश की सबसे अग्रणी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने सोमवार को इस चीज़ की घोषणा की हुई है। भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने सोमवार को घोषणा ये की है कि उसने सफलतापूर्वक कोरोना की वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन बना ली है। कंपनी ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी यानी कि NIV के साथ मिलकर उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित किया हुआ है। कंपनी ने ये भी बोला कि अगले महीने से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी कि 7 जुलाई से, जैसा कि मैंने आपको बताया। गाइस, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब तक कम से कम 548,318 लोग मारे गए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था पे भी बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ा है इस चीज़ का, यानी कि कोरोना का। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।